घर में आप देखा नहीं, कोरोना में तो लोग तंग आ गए थे, वही वही कपड़े पहन पहन के, और घर में एक दूसरे को देख देख कर भी नहीं, उन्हीं कपड़ों में उसी खाने को खा रहे थे लोग। अच्छा था कोरोना ने कम से कम साथ साथ जीना सिखाया। लेकिन हमारे यहां कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। कपड़े लोगों के कपड़े बदलो, लेकिन कम से कम खुद को भी बदलो। कपड़े दिन में 3 बार बदलते हैं, लेकिन खुद को हम बदल पाते हैं? एंड एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स व्हेन यू चेंज योरसेल्फ, दैट चेंज इज नीडेड, दैट चेंज इज साधना। इसलिए जब आप रूबरू होने की बात करते हैं ना, बाहर से रूबरू होना तो बात की बात है, पहले खुद से रूबरू हो, खुद से एक दूसरे से मिलें। अभी आप कह रहे थे ना वाईफाई वाली बात, हमारे यहाँ जब लोग आते हैं ना, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। अभी योगा फेस्टिवल होने जा रहा है, आप भी उसके बाद आ रही हैं, तो वहाँ 100 देशों के से भी ज़्यादा लोग होते हैं। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय से आते हैं, सभी देशों से आते हैं, सभी भाषाओं से आते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन उनका पता है क्या होता है? व्हेन दे कम, बिफोर इवन दे कम, दे आस्क वन क्वेश्चन, डू यू हैव ए वाईफाई इन योर आश्रम? ले रो, अभी वाईफाई की बात हो रही है, मुझे याद आ गई वो बात। डू यू हैव वाईफाई? अब कह देंगे नहीं, तो फिर वो कह देंगे ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टे इन द होटल, तो हमको वाईफाई लगवानी पड़ी। तो हमने कहा ठीक है, वी हैव ए वाईफाई, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन दे कम स्टे फॉर 2-3 डेज, दे स्टार्ट हैविंग द सत्संग एंड स्टार्ट एंजॉइंग द होल एम्बियंस, द एटमॉस्फेयर, द ब्यूटी एंड डिविनिटी ऑफ गंगा जी, देन स्लोली, वेरी ग्रेजुअली वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू देम, माय डियर, यू आर नॉट हियर फॉर वाईफाई ओनली, बीइंग हाईफाई, हैविंग वाईफाई, नॉट ए प्रॉब्लम, बट व्हेन यू आर हियर ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, you are here for YI, not only for Wi-Fi. YI, that is the purpose, that is the call we have to learn through this sadhana. Rubru hone ka matlab hai, the meaning of rubru means knowing yourself. Apne se rubru hona. Jo apne se rubru nahi ho sakta, wo dusron se kya rubru hoga? इसलिए अपने से रूबरू होना। इसलिए शंकराचार्य जी ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही वॉज गॉन, ओनली 32, बट इन द पीरियड ऑफ 32 ईयर्स ही वेंट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ इंडिया, नॉट वन टाइम, 3 टाइम्स। शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक किया, जोड़ा। क्यों? क्योंकि वो खुद से जुड़े थे, बचपन में समझ लिया, बचपन में सब कुछ पा लिया। वो तो वैसे भी शंकर जी के अवतार थे। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही है, को हम कस्त्वं कुदायाता कामे जननी कुमे ताता यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। ये बात मैं क्यों गा रहा हूं? जहां बैठे हैं ना, ये जो जगह है, ये जो ऑडिटोरियम है, इसकी स्थापना करने वाले, मैं आया था शुरू शुरू में जब इसकी शुरुआत हुई थी, बीच में भी आना हुआ, स्वामी चिन्यानंद जी महाराज, बड़े प्यारे संत। जब मैं 45 ईयर्स अगो अमेरिका गया, उस समय एक ही संत थे, स्वामी चिन्यानंद जी महाराज, जो अमेरिका में 1 महीने के लिए आते, 15 दिन ईस्ट 15 दिन वेस्ट में रुकते, और वेदांत का उन्होंने प्रचार किया। और ये को हम कस्त
तस्त्वम कुतः आयाता, ये वेदांत की उसी धारा का ही सूत्र है जिसमें उन्होंने लोगों को जागृत किया। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में 1893 व्हेन ही वेंट टू अमेरिका एंड ही गेव हिज फर्स्ट इन्वोकेशन इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। वही संस्कृति जिस भारत की बात, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये हमारे प्रिय मनोज और जो दूसरे एक्टर, ये हमारे यहाँ 70-72 के उसमें एक फिल्म बनी थी, उसमें ये लोग 10-15 दिन वहीं थे। तब रोज बैठते थे, चर्चा करते थे, तब मैंने देखा मनोज कुमार जी के दिल में क्या देश के प्रति उस जवानी में ही क्या भावनाएं थी उनके दिल में। इसलिए क्योंकि जब दिल जुड़ा होता है ना, तो फिर आप देश से लोगों को जोड़ते हैं। उस समय एक प्यारा सा गीत था उसमें, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। सच्ची यही जीवन है। मैं जब ये बात मुझे इसलिए भी याद आई, हरिओम स्माइल, मुझे भी बता रहे थे हमारे बागड़ोदिया जी कि जब गाड़ी में हम आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 15 कैंप हरिओम स्माइल के साथ मिलकर, क्योंकि हम लोग, एक लड़की मेरे पास आई, उसके पास दोनों पैर नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, ऋषिकेश में आई और उसने मुझे पूछा कैन आई सी यू, बहुत समय से टाइम मांग रही थी, लेकिन उसने कहा मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा कहा कि ठीक है देखेंगे। जब उसने लिख के भेजा मैं दिव्यांग हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, तो मैंने फिर उसको समय दिया। जब समय दिया, मैं कभी नहीं भूलता इस बात को, तो जैसे वो आई, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, तो जैसे मैंने उसको देखा तो मैंने कहा हाउ कैन आई हेल्प यू, उसने कहा आई एम नॉट हियर फॉर एनी हेल्प। तो देन आई सेड व्हाई यू आर हियर, यू आर आस्किंग फॉर टाइम, यू केम ऑल द वे, देन व्हाई यू केम हियर। वो रोने लगी, उसने कहा क्योंकि मेरे पैर नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, कोई तो मुझे लेके सेवा करेगा, बाथरूम जाना है, करना है, और क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, somebody else has to wash me, and it happened in the family कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, and she started crying। तो मैंने कहा what you need from me, उसने कहा not for me but what I can do through you, that's why I'm here। मैंने कहा please explain, उसने कहा कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। इसलिए जितने बच्चियां हैं उन सब बच्चियों के लिए यदि कुछ किया जा सकता है, उनको ऐसे लिम्स मिल सकते हो तो बहुत बड़ा काम होगा। मेरे जैसी बच्चियों को इस टॉर्चर के थ्रू, इस इमोशनल पेन के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा। तो यात्रा की शुरुआत हुई कि किस तरह से लोग, तन से तो अपंग थी वो, लेकिन उनके कुछ लोग जो घर के थे वो मन से भी अपंग थे, मन से भी अपंग थे। मैंने हमारे भक्त हृदय श्री विनोद बागड़ी जी से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास टीम है, कैंप तो कभी कभी करते थे हम लोग, लेकिन कैसे ये दिव्यांग फ्री, दिव्यांग मुक्त उत्तराखंड एंड दिव्यांग मुक्त भारत, हैंडीकैप तो नहीं कहते हम लोग, पीपल विद
स्पेशल नीड्स, हाउ वी कैन मेक अवर फैमिली मेंबर्स पार्ट ऑफ अस. टू मी दिस इज पूजा, टू मी दिस इज ट्रू वर्शिप, ट्रू मेडिटेशन. आई टोल्ड दैट गर्ल, मैंने कहा एक काम करो, कितने लोग ऐसे जानती हो तुम? बोले मुझे इतना नहीं पता लेकिन मेरे जैसे बहुत होंगे. मैंने कहा डन. बोले व्हाट डू यू मीन बाय डन? मैंने कहा नवरात्रि इज हियर, जस्ट आफ्टर वन वीक देयर इज अ नवरात्रि, एंड नवरात्रि में हम कन्याओं को जिमाते हैं. हमने कहा कन्याओं को जिमाते हैं, जिमाएं हमारी परंपरा बचेगी. वी हैव टू सेव अवर ट्रेडिशन, वी मस्ट फीड देम. जिमाओ लेकिन आओ एक नई शुरुआत करें, हम उनको अपने जमाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें. तो जिमाएं भी और जमाएं भी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके. मैंने आपसे बात की, तुरंत 20-22 डॉक्टरों की और उनके हेल्पर्स की टीम आ गई और कैंप नवरात्रि के दिन शुरू हुआ. तो नवरात्रि के दिन द वेरी स्पेशल 9 days इन आवर लाइफ इन इंडिया, इन दोज 9 days दिस कैंप टुक प्लेस एंड सो मेनी प्रोस्थेटिक लिम्स वर गिवन टू दोज पीपल हु वर इन नीड. एंड एंड ऑफ द डे वी डिसाइडेड व्हाई नॉट टू टेक इट लिटिल फर्दर एंड वी फ्रॉम नवरात्रि टू दीपावली हमने उसको किया, शुरू किया. दिवाली के दिन, दिवाली से पहले, नवरात्रि के बाद, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान साहब एंड द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एजुकेशन द हेल्थ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर साहब, एवरीबडी केम एंड दे वर सो हैप्पी, दे वर सो टच्ड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन दोज people's life. Kya the, kya ban gaye wo log? And you know the girl who danced here today, the 2-3 girls were there, they danced so beautifully. Even the governor and everybody was so touched. And I called the chief minister, I said Diwali hai, why not to celebrate Diwali with these people who have prosthetic limbs just given recently, and they are so much in love and in happiness. तो ही कॉल एवरीबडी देयर, उन्होंने वहां जो डांस किया, जो नाचे, जो चल नहीं सकते थे वो डांस करने लगे, दे बिकेम डांसी डांसी. इफ यू वांट टू बी डांसी डांसी, बिलीव मी दिस इज टू मी रियल मेडिटेशन. सर्व देम. लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, इज वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू. उन्होंने कहा ना कि हम झोपड़ी की नहीं, तभी मुझे ये बात याद आ गई. आपने कहा कि नहीं झोपड़ी में आए नहीं, आप तो महलों में रहते हो. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए रे, राम आ गए. ठीक है, क्योंकि मुझे